वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको डेयरी उद्योग की एक भीषण परेशानी को बता रहा हूँ कि जो सीमेंट की उपलब्धता, वो सीमेंट जो है नकली सीमेंट भी आ रहा है और ऐसा है कि सस्ते सीमेंट को महंगा सीमेंट बता के भी यही कर देते हैं। और तो इसका समस्या का समाधान यही है कि आप जो है अपने पास सिलेंडर रखिए और उसमें सीमेंट रखिए। देखिए ऐसा है, सीमेंट इस वक्त एक तो ABS का आ रहा है, तो ABS का आप प्राप्त कर सकते हैं सीमेंट, ये आपको मिल जाएगा, बाबूगढ़ से भी मिलेगा और रुद्रपुर में भी मिल जाएगा। तो ये सीमेंट ऐसा है वो पहुंचा देते हैं, अगर आपके पास सिलेंडर है तो वो पहुंचा देंगे। उसके लिए कोई ज्यादा कॉस्टली नहीं है, जो वैसा सीमेंट है जर्सी का वो 100 रुपए की डोज है और जो होलिस्टीन का है वो 50 रुपए से लेके और 400 रुपए तक है, वो डिपेंड करता है मतलब कौन सा ले रहे हैं। सेक्सीबन जितना है वो ABS का 1200 रुपए का है। और वैसे सेक्सीबन के बारे में ये भी बता दूं मैं, एक अमेरिकन कंपनी है सेक्स टेक्नोलॉजी, वो ऋषिकेश में और बाबूगढ़ में इसको सीमेंट को सेक्सीबन को दे रही है और यहाँ तो ऋषिकेश से वो 100 रुपए में अवेलेबल है, 100 रुपए में देसी का और बुर्रा का सेक्सीबेंट और 400 रुपए में क्या कहते हैं विलायती इसका जर्सी और इसका। तो ये अभी आगे भी ये बहुत सस्ता हो जाएगा। अब एक कृषक मुझसे पूछा है साहब सीमेंट कितने दिन तक रखते हैं, आप उसको 200 साल तक रख सकते हैं, जब तक नाइट्रोजन मेंटेन करेंगे आप उसको रख सकते हैं, बुल मर जाएगा तब भी वो काम करता रहेगा। बहुत से बुल ऐसे है जो मर गए पर उनका सीमेंट रखा हुआ है, वो सीमेंट चलता है। तो मैंने आपको यही बताया कि ये उपलब्ध है, ऋषिकेश से उपलब्ध है और बाबूगढ़ से उपलब्ध है और हर स्टेट में उपलब्ध है। तो और ये रुद्रपुर में उपलब्ध है, रुद्रपुर का नंबर मैं आपको बता देता हूँ, वो ABS का सीमेंट बेचते तो एजेंसी है उनके पास, वो 8279835572। तो भास्कर शर्मा जी आप इसे कांटेक्ट कर लीजिए, ये सिलेंडर भी देते हैं और सीमेंट भी देते हैं। अब आप कहेंगे कि साहब सीमेंट हम लाएंगे कैसे वहां से, तो आप अगर इन्हें फोन कर देंगे ये आपके घर पे पहुंचा देंगे सीमेंट। अगर आपके पास सीमेंट है तो आप इंसेमिनेटर को बुलाइए और आप उससे करवा लीजिए। और सालोन से भी अच्छा सीमेंट मिलता है, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो सब सालोन का सीमेंट यूज करते हैं, काफी सस्ते हैं वो, मतलब कोई ज्यादा महंगे नहीं है। अगर आप एक बार सीमेंट रख लेंगे तो और कृषक भी आपसे ले जाएंगे सीमेंट। ये सीमेंट बढ़िया बता के घटिया सीमेंट लगाना मतलब उसमें ये होता है कि 2 साल बाद उसे पता है मेरे से क्या हो गया, तब तक वो इंसेमिनेटर कहीं का कहीं चला जाता है। और ऐसा सब लोग नहीं करते हैं पर ऐसा हो रहा है, मतलब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी लोग कहते हैं कि साहब वो कर गए और साहब नस्लदार निकली, तो नस्लदार निकलने अब देखिए ऐसा है आजकल डेयरी जो है वो काफी पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं था। पहले मतलब डेयरी को यही समझा जाता था कि गांव के लोग, अब तो शहर के लोग भी कर रहे हैं, शहर में हर एक कोई डेयरी की तरफ भाग रहा है इस वक्त। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब इलेक्ट्रॉनिक ये AI गन भी आ गई, उससे 2-3 दिन में आप प्रशिक्षण प्राप्त करके और मतलब AI कर सकते हैं। एक वहाँ की इंदौर की फर्म है वो तो 10,000 रुपए में ही दे रही है और मेरे ख्याल से अभी और सस्ती हो जाएगी। तो आप खुद AI करिए, आप खुद सीमेंट रखिए, आप सीमेंट बेच भी सकते हैं। अब जो आदमी बाहर से सीमेंट नहीं माना जाता अच्छा सीमेंट है तो आप वो आपसे ले लेगा, तो ये कोई इसमें ज्यादा पैसा नहीं लगता है, मुश्किल से 30-35 हजार रुपए लगेंगे और आपके पास सीमेंट आ जाएगा, आप डलवाइए आपकी। देखिए मैंने भी ABS का सीमेंट यूज करता हूँ, उसका कंसेप्शन बहुत हाई है, उसमें 90% कंसेप्शन होता है, उसमें जो सेक्सीमेंट है उसमें थोड़ा कम है, उसमें आप ये समझिए कि 2 लगाने पड़ते हैं, वो बछिया में तो उसमें रिजल्ट अच्छे है, फिर सीजन पे भी डिपेंड करता है। अगर आप इसको अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी लगाएंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक एक दो दो गाय रखे हुए और उसमें सोचते हैं कि ये कैसे होगा, जो 10-12 गाय रखे हुए हैं उनके लिए जरूरी है कि वो सिलेंडर रखे और AI गन लेके। देखिए ये AI गन जो फॉरेन कंपनियां बेच रही है वो 3.5 लाख की बेच रही है, जो हिंदुस्तान में बन रही है वो भी 1-1 लाख की, पर अब तो 10,000 में मिल रही है ये, आप ले लीजिए, उसे सीमेंट करने में डालने में कोई दिक्कत नहीं है, आपको अंदर सर्विस दिखाई दे रही है, उसका प्रशिक्षण भी हम लोग देते हैं, आप उसका प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी सीमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं और वो कोई ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। आप डेयरी में
आपकी लाख रुपए की भैंस है तो अगर आपने डेयरी में 30-40 हजार रुपए लगा दिए और उससे आपको इनकम भी होगी, आप दूसरे को भी बेच सकते हैं, आप दूसरे के AI भी कर सकते हैं। तो ये मेरे पास फोन आते हैं कि साहब मेरी डेयरी है और साहब मैं बहुत परेशान हूँ और वो हो नहीं रही, तो मतलब गाय क्या बन नहीं हो रही, तो उसका यही समाधान है। आप इस में कुछ भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं या ऑनलाइन इसके कोर्स अटेंड करना चाहते हैं तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं प्रोफेसर सैया हूँ और मैं वेटरनरी कॉलेज पत्रनगर में पढ़ाता रहा और मैं BBSc MBSc PhD हूँ। मैंने फार्म पे भी रहा 3000 जानवर और गाँव में भी रहा। उस समय सन 70 वगैरह में तो भैंस होती थी, बैल होता था। अब भैंस बैल का तो कोई रोल रहा नहीं, अब तो भैंस और गाय ही है गाँव में, और गाय ऐसी है जो 35 लीटर तक। मैं डेयरी चलाने के लिए क्लासेस भी लेता हूँ और उसके लिए आप मुझको संपर्क कर सकते हैं। मेरा टेलीफोन नंबर 8979974-8686 है। धन्यवाद, आपने सुना।